आज बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमत सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश युवता को आदर्श की नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पदयात्रा किया, हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज माणिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब ज़रूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना दे के यहाँ के जो शहीद हुए युवा उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले, विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम, सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। చూడాలి ఇంకా విశ్లేషిస్తాం అందరితో మాట్లాడతాం। ఫ్యాక్ట్ తో ఆపకు పతా దిఖానే కే జరూరత్ నీ హై, లోగ్ దే హావ్ గివెన్ దట్ మ్యాండేట్ విచ్ ఇస్ పీపుల్స్ మ్యాండేట్, వి నీడ్ నాట్ టు పోస్ట్ మార్టమ్ థింగ్, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ magic number. So now my point is, it is that simple that they wanted to change, they wanted to defeat KCR, yet they have defeated KCR, that's all. Hindi em prashna adugutava pratipakshaniki pratipaksham paani cheyamantunnam swagatham emindi andulo congress party palaka pakshamu వాళ్ళు ప్రతిపక్షానికి వచ్చిండ్రు, ప్రతిపక్షంలో వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళ నెరవేర్చమని సూచన చేస్తున్నాం। గతంలో తెలంగాణలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన చిల్లర రాజకీయాలు భవిష్యత్తులో చేయకుండా ఉండాలని వాళ్ళకి సూచన చేస్తున్నా। మేము ఆ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా మాకిచ్చిన బాధ్యతను
बरुगा बाध्यता भावी प्रजला आकांक्षल मेरे के प्रभुत्वानी निर्वहिस्तां धन्यवाद।